प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने प्रदेश सरकार से किसानों को शीघ्र राहत राशि देने की मांग की है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कल आए भयंकर तूफान से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, खासकर फलदार पौधों की फसल तबाह हो गई है। आम, लीची, पलम, आड़ू आदि फसलें तबाह हो गई हैं। ऐसे में सरकार शीघ्र राहत प्रदान करे। दीपक शर्मा ने कहा कि एक तो पहले ही कोरोना संकट काल ने किसानों की कमर तोड़ दी है, ऊपर से प्राकृतिक आपदा ने भी बंटाधार कर दिया है, इससे किसान बागवान दुखी हैं और प्रभावित हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि राहत के रूप में सरकार को चाहिए कि वो राहत राशि किसानों के खाते में डाले ताकि उन्हें इसका सीधा लाभ प्राप्त हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को इस बारे में शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करके सरकार ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, इससे महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है, आमजन का सीना दुभर हो गया है। दीपक शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम न्यूनतम स्तर पर हैं, लेकिन सरकार पिछले 20 दिनों से प्रतिदिन तेल के दाम बढ़ाकर जनता को लूट रही है और महंगाई को बढ़ावा देने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेल के दाम में की गई वृद्धि के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है, जिसके तहत कांग्रेस जन सोशल मीडिया में भाजपा सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेगा और अपना विरोध दर्ज करवाएगा तथा धरना प्रदर्शन करके सरकार के विरुद्ध रोष रैलियों का आयोजन 4 जुलाई तक किया जाएगा। प्रदेश में गत रात आए भारी तूफान से भारी नुकसान हुआ है, किसानों को इसकी भारी मार पड़ी है, खासकर फलदार पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा है और किसान इससे बहुत प्रभावित हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि किसान को शीघ्र सहायता राशि प्रदान की जाए और ये राशि सीधी डायरेक्ट उनके खातों में डाली जाए ताकि उनको कुछ राहत प्राप्त हो सके। वैसे भी कोरोना संकट काल के दौरान किसान की कमर टूट चुकी है, ऊपर से इस प्राकृतिक आपदा ने किसान का जीना और दूभर कर दिया है। दूसरी ओर सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने से महंगाई सातवें आसमान तक पहुंच गई है, इससे किसान को दोहरी मार पड़ी है और किसान का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इसके बारे में शीघ्रता के साथ अपनी संवेदनशीलता दिखाए और किसानों को राहत प्रदान करे।